छात्रों के जीवन को आकार देने में एक शिक्षक की भूमिका माँ की जिम्मेदारी के समान होती है। किसी भी छात्र के भविष्य को संवारने में शिक्षक की काफी अहम भूमिका होती है। शिक्षक अपने छात्रों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। इसी तरह के एक दूरदर्शी शिक्षक ने छात्रों के हित में अनोखे विचार से कार्य शुरू किया है। उनके प्रयासों की सराहना राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री के सुरेश कुमार ने की है। इस शिक्षक की नई योजना क्या है, आप भी जानिए पूरी योजना का विवरण। मैंने छात्र के नाम पर पैसा जमा करने की योजना शुरू की है। 2014 में पहली कक्षा में दाखिला लेने वाले एक बच्चे के नाम पर 1,000 रुपए जमा किए गए थे, जो कि 10 साल के लिए था। इस शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में इस योजना के तहत कुल 13 छात्र स्कूल में दाखिल हुए हैं। इससे पहले के शैक्षणिक वर्ष में इस योजना में 15 छात्रों को लिया गया था। 2014 से अब तक मैंने कुल 63 छात्रों को इस योजना के तहत जोड़ा है। शिक्षा व्यक्ति की बुनियादी जरूरत है, वह भी प्राथमिक शिक्षा, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक सभी लोगों की अच्छी यादों में रहते हैं। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करने के इरादे से शिक्षिका रेखा ने यह अनूठी धन जमा योजना शुरू की है। वह वर्तमान में शिवमोगा जिले के होशनगर तालुका में स्थित नूलीगेरी गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल में कार्यरत हैं। इस योजना के अनुसार शिक्षिका रेखा पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्र के नाम से 1,000 रुपए जमा करती हैं, जो 10 वर्ष के लिए होता है। शिक्षिका रेखा कहती है कि जब छात्र SSLC में प्रवेश लेगा तो यह राशि उसे या उसके अध्ययन के लिए मदद करेगी। तो आखिरकार ये विचार उत्पन्न कैसे हुआ? एक बार बच्चा जब 10 साल के लिए इसे अपनाएगा तो ये छोटी सी जमा धनराशि उसे SSLC शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगी। हालांकि जमा किया गया पैसा SSLC के लिए प्रवेश पाने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन ये प्राथमिक शिक्षा पाने के बाद बच्चे को आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करेगा। मैंने जो योजना शुरू की है, ये छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है। बचपन में ही रेखा ने गरीबी का अनुभव किया था, इसी अनुभव ने उन्हें छात्रों के लिए इस जमा योजना को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। 2014 में अपनी नौकरी शुरू करने के बाद उन्होंने छात्रों के कल्याण के लिए यह योजना शुरू की और सभी लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली। अब तक उन्होंने 63 छात्रों के नाम पर पैसे जमा किए हैं। प्राथमिक शिक्षा मंत्री ने भी उनके काम की मुक्त कंठ से सराहना की है। परिवार के सदस्यों ने भी उनकी इस पहल का समर्थन किया है। माता पिता को अपनी बेटी पर गर्व है। यदि वे किसी अन्य सरकारी स्कूल में स्थानांतरित होती हैं, तो भी रेखा उस स्कूल में इस योजना को जारी रखने की इच्छा रखती हैं। उन लोगों के बीच जिनकी मानसिकता सिर्फ पैसा कमाने की होती है और वे हमेशा पैसा कमाने के बारे में ही सोचते हैं, रेखा मैडम ने वास्तव में सभी के लिए उदाहरण पेश किया है। अगर सरकारी स्कूल के शिक्षक रेखा मैडम की तर्ज पर इस योजना का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से राज्य और देश भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य उज्जवल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।